जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कस द सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर थ्योरी। सरफेस टेंशन मॉलिक्यूलर थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे भाई, स्टडी करेंगे। इन प्रीवियस वीडियो वी आर आल्सो डिस्कस द सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, इस चीज को हम लोगों ने क्या किया था कि एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताया था। उसमें अगर किसी भी टाइप की दिक्कत होगी तो, अगर इसमें ये चीजें अगर नहीं समझ में आएंगी तो आप पहले पीछे की वीडियो देख लीजिएगा, फिर आसानी से आपको सरफेस टेंशन के बारे में जब समझ में आ जाएगा तो ये सरफेस टेंशन की जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये थ्योरी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं और आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है? ओके, ध्यान समझिए कि सरफेस टेंशन ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, मॉलिक्यूलर के बेस पे सरफेस टेंशन को हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ पे देखिए, पहले एक छोटा सा डायग्राम समझिएगा बेटा कि हमने यहाँ पे एक लिक्विड का सरफेस बनाया। ये हमारा पॉइंट ए है, कुछ पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिया है, ए बी सी डी, ठीक है? और इसमें ये जो पी क्यू है ये सरफेस, अपर लेयर ऑफ सरफेस है, अपर लेयर ऑफ लिक्विड। ये क्या है भाई, अपर लेयर ऑफ लिक्विड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, फ्री सरफेस। ये फ्री सरफेस होता है। और उसके बाद एक छोटा सा हमने लाइन ड्रॉ किया है जो आर एस है, आर एस के बीच में ये मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, लिक्विड फिल्म के नाम से जानते हैं। इसको किसके नाम से जानते हैं बेटा, लिक्विड फिल्म के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिएगा ये क्या चीज होता है कि पहला केस है हमारा मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज हम लोग किसको कहते हैं, तो द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ टू बीच, या अधिकतम हो सकता है, अधिकतम जो डिस्टेंस होता है वो क्या चीज होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स अपीयर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज, ठीक है? जहां तक मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को जहां तक खींच सकता है, जितना खींच सकता है, ये इसका क्या कहता है, मॉलिक्यूलर रेंज होता है, जो किसमें होता है बेटा, नैनोमीटर में होता है। किसमें होता है, नैनोमीटर में हो सकता है। मतलब ये बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रॉइड मॉलिक्यूल्स, सेंट्रॉइड मॉलिक्यूल्स का मतलब इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। फिर देखिए सरफेस टेंशन इन्फ्लुएंस क्या होता है बेटा, इस बात को समझिएगा कि सरफेस टेंशन इन्फ्लुएंस क्या होता है, और स्फीयर विथ और मॉलिक्यूल्स को हम कैसा कंसीडर करते हैं, स्फीयर कंसीडर करते हैं एज अ सेंटर एंड रेडियस, ठीक है? इक्वल रेंज इज कॉल्ड द सरफेस, ठीक है? स्फीयर ऑफ, इसको बोलते हैं क्या चीज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ध्यान से समझिएगा, टू यहां पे पॉइंट्स है आपका क्या चीज भाई, टू अंडरस्टैंड द केप, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस, एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस। मतलब क्या है कि ये जो टेंशन है एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, लेट अस कंसीडर द फोर मॉलिक्यूल्स लाइक ए बी सी डी, जो मैंने डायग्राम में क्या किया है, बताया हुआ है कि हमारे पास चार मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम कंसेप्ट के बेस पे क्या करते हैं, सरफेस टेंशन से रिलेटेड बातें करते हैं। इसके अंदर पहला देखिए मॉलिक्यूल्स हमारा ए है, मॉलिक्यूल्स ए इज द वॉल, द लिक्विड सो इट सॉल्ट, ठीक है, अट्रैक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। देखिए यहां पे एक मॉलिक्यूल को हम लोगों ने जो कंसीडर किया है स्फीयर के फॉर्म में, ये हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो वॉल पे है, ये पूरा वॉल जो है
ठीक है, वो उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो ऑल डायरेक्शन में लग रहा है, हेंस द नेट फोर्स ऑन दीज मॉलिक्यूल्स इज जीरो, और इसके ऊपर जो लगने वाला कुल फोर्स की वैल्यू है, मॉलिक्यूल फोर्स की वैल्यू है वो जीरो है, एंड इट मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड, और जिसकी वजह से वो लिक्विड के अंदर मूव करने के लिए फ्री है, मतलब उसके ऊपर किसी भी टाइप्स का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में चलने के लिए क्या है बेटा, फ्री है। फिर देखिए मॉलिक्यूल्स बी में देखिए, मॉलिक्यूल्स बी इज द लिटिल बिलो द फ्री सरफेस, मतलब क्या है कि लिटिल का मतलब क्या है बेटा, बहुत छोटा। ये देखिए ये फ्री सरफेस से बहुत छोटा सा, बहुत कम दूरी पे है सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड आल्सो अट्रैक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शन में इक्वली यह क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, हर एक डायरेक्शन में इक्वली अट्रैक्ट है। फिर हम लोग देखिए मॉलिक्यूल्स बी की बात करते हैं, मॉलिक्यूल सी की, तो मॉलिक्यूल सी इज जस्ट बिलो अपर द सरफेस ऑफ द लिक्विड, मतलब मॉलिक्यूल सी जो है ये लिक्विड सरफेस से, इस लिक्विड सरफेस से जस्ट एबव मतलब जैसे उसके जस्ट अपर साइड में है, ठीक है, अपर साइड में है फिल्म, ठीक है, लिक्विड फिल्म, एंड द पार्ट ऑफ इट्स स्फीयर इज इन्फ्लुएंस आउटसाइड द फ्री सरफेस, और उसका मैक्सिमम पार्ट्स कहाँ पे है, लिक्विड के अंदर है, ठीक है, फ्री सरफेस, लिक्विड के फ्री सरफेस से क्या है, मैक्सिमम पार्ट उसका अंदर है, यानी उसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट जो है मॉलिक्यूल्स डी इज जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, वो क्या है कि भाई जस्ट ऑन द मतलब कि लिक्विड सरफेस के जस्ट ऊपर है, ऑन का मतलब क्या है, ऊपर है, जस्ट ऑन द उसी सरफेस पे, जस्ट ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तब टोटल कंक्लूजन क्या मिलता है बेटा, टोटल कंक्लूजन हमको क्या मिलता है कि ऑल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऑल मॉलिक्यूल्स लाई ऑन द सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस और नेट डाउनवर्ड फोर्स, देयरफॉर फ्री सरफेस सरफेस ऑफ द लिक्विड बिहेव लाइक अ स्ट्रेच मेम्ब्रेन, मतलब इससे हमें एक चीज पता चलता है कि ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से अगर कहीं पे ये छोटे छोटे पार्ट्स में मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर क्या करता है, फोर्स अप्लाइड करता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, यानी खिंचाव यहाँ पे होता है। स्ट्रेच करने का मतलब है कि इनके बीच में मॉलिक्यूलर इंटरनल फोर्स की वजह से यहाँ पे इसके अंदर स्ट्रेच होता है, यानी हर एक मॉलिक्यूल्स जो है अपने ऊपर फोर्स बिहेव करता है, जिसकी वजह से एक सरफेस लेयर फॉर्म होती है, और वो सरफेस लेयर फॉर्म होने की वजह से अगर उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल चला जाए, लाइट पार्टिकल चला जाए, मच्छर चला जाए, मक्खी चली जाए, तो वो क्या करता है कि उसके ऊपर तैरता रहता है बेटा, क्योंकि मच्छर जब सावधानी से बैठेगा तो उसकी जो ये अपर लेयर की फिल्म है, यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से जो बनी हुई है फिल्म, वो फिल्म ब्रेक नहीं होती है, और जब वो फिल्म ब्रेक नहीं होगी इसका मतलब है कि वो हमेशा क्या रहेगा, उसके ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन अगर वही फिल्म क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, तो वो क्या करेगा, टूट जाएगा, और टूटने की वजह से उसके अंदर वो क्या करेगा, डूब जाएगा, बराबर। फिर देखिए फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो होता है बेटा, ये डिपेंड करता है डिफरेंट बॉडीज ऑफ शेप के ऊपर, जब अलग अलग बॉडीज का शेप होगा तो उसके सरफेस टेंशन की वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। वो क्या होता है यहाँ पे समझिएगा कि सरफेस टेंशन की वैल्यूज में क्या चीज होता है, तो पहले हम लोग यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लेंथ ले लिया, यहाँ पे एक छोटा सा निडल कंसिडर कर लिए हैं,
ठीक है, निडिल की जो लेंथ है बेटा एल है। अब जब निडिल को हम सरफेस टेंशन यानी लिक्विड के अपर पार्ट्स में रखेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आता है तो वहां पे एडहेसिव फोर्स लगता है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स होता है तो कोहेसिव फोर्स लगता है। यहाँ पे क्या लगेगा कि भाई निडिल एंड लिक्विड्स के बीच फोर्स लग रहा है, और निडिल एंड लिक्विड्स के बीच फोर्स लगेगा तो उसके अंदर जो होती है अट्रैक्शन फोर्स, वहां पे जो होगा एडहेसिव फोर्स होगा। अब ये इसमें ध्यान से देखिए कि सरफेस टेंशन जो है दोनों साइड काम करेगा, एक साइड नहीं भाई, लेयर है, लिक्विड है, ध्यान समझिएगा, कोई बॉडी है, कोई बॉडी है जो कहां पे रखी गई है, लिक्विड में रखी गई है, तो इधर भी खींचेगा इधर भी खींचेगा, दोनों साइड, दोनों साइड इसके ऊपर फोर्स लगेगा। तो यहां पे देखिए टोटल फोर्स जो है F इज इक्वल टू 2L into T, 2L का मतलब क्या है भाई कि L into T plus L into T इतना होगा। अब प्लस क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इज ऑलवेज वर्क इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसको देखिए हमने जोड़ दिया है कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू 2T प्लस 2LT प्लस W होता है, ठीक है। दूसरा हमने लिया है क्या चीज, एक हॉलो डिस्क लिया है, हॉलो डिस्क मतलब क्या है, खाली सा एक डिस्क है, इस तरह से खाली डिस्क है जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है कि एक यहां पे इंटरनल रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है इसका, ठीक है, और यहां पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस फोर्स की वैल्यू और इसकी वेट की बात करें तो वेट डायरेक्टली डाउनवर्ड में काम करेगा, W इज इक्वल टू वेट, हमेशा आपको बता चुके हैं कि वेट इज ऑलवेज वर्क इन डाउनवर्ड, ठीक है। तो भाई फोर्स कितना होगा, तो फोर्स काम करेगा, लेंथ का काम यहां पे कितना, लेंथ का मतलब हो गया बेटा L इज इक्वल टू 2πr, ध्यान से समझना, L इज इक्वल टू 2πr। तो अगर आउटर लिया, ठीक है, आउटर लेंगे तो लिखेंगे 2πr 2 लिखेंगे, और इनर लिया, ठीक है, आर इनर, लेंथ इनर लिया तो ये क्या लिखेंगे भाई 2πr1, और टोटल की बात करेंगे तो 2πr, ठीक है, 2πr r2 माइनस r1 इंटू टी, ये टोटल फोर्स हो गया। अब प्लस क्या हो जाता है, W हो जाता है उस बॉडी का वेट, तो इसलिए हमने यहां पे लिखा है कि इस बॉडी के ऊपर जितना सरफेस टेंशन फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो F इज इक्वल टू 2πr प्लस R1 प्लस R2 एंड वेट ऑफ बॉडी। तो इस तरह से अगर और भी डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होगी बेटा तो हर एक बॉडी के लिए सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन मतलब सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगने वाला है उस बॉडी पे, वो हर एक बॉडी के लिए फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे भाई सरफेस टेंशन एनर्जी, मतलब ये बोल सकते हैं कि एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये भी कह सकते हैं, या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि वो सरफेस टेंशन के हेल्प से एनर्जी कितनी स्टोर करती है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप बेहिचक कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा, और वीडियो को जरूर से बेटा सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा। ओके, जय हिंद।